अच्छा कितनों का मतलब, जैसे कितनों को बचपन में पॉकेट मनी नहीं मिली है? अच्छा काफी लोगों को नहीं मिली है। अच्छा पता है हमारे पेरेंट्स ने बताया ही नहीं, खा गए, काकोरी से ट्रेन लूटी जाएगी, बताया ही नहीं। उस चक्कर में मेरी बेइज्जती बहुत हुई है, क्योंकि मुझे लगता था कि सब कुछ मिलता है फ्लाइंग किस से। मैं पहली बार दुकान पे गया, मैंने कहा भैया एक 5 स्टार और ये लीजिए। He was like, ना 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 ना। तो मुझे लगा उस तक पहुंच ही नहीं, तो मैंने पूरी जान से दी, मैंने कहा करा ना 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 ना। तो मुझे लगा इसको लिप्स पे चाहिए, पर मैंने कहा इतने क्लोज रिलेटिव्स तो है नहीं। मैं भाग के गया अपने घर पे, मुझे लगा मेरी पावर खत्म हो गई। अच्छा आपको पता है पॉकेट मनी के बारे में कब पता लगा था कि पॉकेट मनी होती है? 6-7 हमारे में नहीं बताया। आपने मॉरल साइंस पढ़ी है स्कूल में? तो मैं एक बार मॉरल साइंस पढ़ रहा था, तो उन्होंने मैम ने पूछा आराम से, एक तो मॉरल साइंस क्यों पढ़ते हैं आप लोग? बस पढ़ लिया आपने। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैम ने एक बार मुझसे पूछा कि बेटा बताओ कि जब तुम अपने पेरेंट्स को इकट्ठा देखते हो तो कैसा लगता है? मैं लगा कि अब क्या गलत कर दिया मैंने। सच्चाई है। तो साथ वाले बच्चों को पूछा कि बताओ बेटा पॉकेट मनी क्या होता है? उसने बता दिया, कह रहा घर के जो काम करते हैं उसके पैसे मिलते हैं, स्टाइफन मिलता है घर का। भाई गॉड, मेरा भाई साहब दिमाग खराब, मेरा माँ बाप से विश्वास उठ गया। मैंने अपनी बहन को बताया सारी बातें, और हम गए घर, और जैसी पेरेंट्स ने बताया कि हमारा हिसाब कर दो आज ही सारा। और पेरेंट्स को पता था, तो पेरेंट्स ने बोला देखो थोड़ा टाइम दो समझने के लिए। मैं कहा नहीं, हमारा हिसाब कर दो, हम दूसरे माँ बाप ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने बोला तो अच्छा, मेरी मम्मी जो है ना, मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर हैं, उनका नाम सुमन है, आप समझ रहे हो, मैथ्स की टीचर, समझदार है। तो थोड़े उन्होंने बोला कि हमें 2 दिन का टाइम दो। तो मुझे लगा 2 दिन वो थूक लगा के नोट गिनेंगे, क्योंकि बचपन से इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा ना, और हमें मोरल साइंस से पढ़ाया कि हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें काम में हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने कहा आपकी काम में हेल्प करूँ, करी काम डाउन, मैं अपना देख लूंगी। मैडम 2 दिन, तो हमने कहा 2 दिन तक हम भी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। हमने चलाया नो मूवमेंट, मम्मी कहती चिड़िया उड़ी, हमने कहा नहीं उड़ा रहे। मम्मी कहती ये काम कर दो, मैं तो बोर्ड दिखा दिया, मैं कहा सुमन गो बैक। भाई करना होता, तो मैम 2 दिन बाद है। अब वो औरत मैथ्स की टीचर है, तो यहाँ देखो खेल उनका। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा अब जो हुआ वो हुआ, अब से पैसे मिलेंगे, बट उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें क्या है कि अब तुम्हें हर काम के पैसे मिलेंगे, जैसे आप सुबह उठ के अपने आप स्कूल चले जाओ 2 रुपए, आप वापस आओ अपने कपड़े तय करके रखो, खाना खा लो 2 रुपए, दोपहर में आराम से जैसे सो के अपना काम करो, पढ़ाई करो, शाम को खेल के वापस आ जाओ 2 रुपए। आप देख रहे हो उनके जितने भी एक्यूपंचर के पॉइंट थे, जिसमें घर में कलेश होते हैं, उन्हें सारी आवाज दबा दी पैसे से। तो समाज में कोई नई बात नहीं थी वैसे। तो भाई साहब नेक्स्ट दिन से हमने शुरू किया अंधा पैसा कमाना, अंधा 18-18 रुपए, 20-22 रुपीज। भाई साहब पहले शुरू में समझ नहीं आया मैं इतने पैसे का करें क्या। मेरा बेस्ट फ्रेंड नोनू मुझसे बात नहीं कर रहा, करा अब तो तू अमीर आदमी हो गया, तू इस गरीब आदमी से क्यों बात करेगा। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है सुदामा। भाई साहब मैडम अंधा पैसा आने लगा, अंधा पैसा। मैंने एक दो स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, पता आपको स्टार्टअप में, मेरा स्टार्टअप देता कि ना हमारी क्लास में ना लवबर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, पर वो गिफ्ट्स घर पे लेके नहीं जा सकते, तो मैं वो रेंट पे रखता था अपने घर पे। आप इमेजिन करो मैं 25-25 टेडी बियर के साथ सोया हूं। मैडम आपकी फैंटेसी मैं कर चुका हूं। तो इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा। अच्छा सबसे ज्यादा ना तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा पैसा देते हैं हाथ में, कभी सोचा आपने, नोटिस किया है? मतलब उनको लगने लगा कि कहीं सामने वाला प्लॉट ही ना ले ले। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ना कभी पैसे नहीं देते, पैसे प्लस ज्ञान नहीं देते भाई साहब उतना।
कितनों ने सुना है बात, इसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। मैं कहा आपने 5 रुपए दिए हैं, इसे कहां टिकाऊं, इसे कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊं, वो खुद जोखिमों के अधीन है। तो भाई साहब अब क्या, मैं तुमको अंधा पैसा आ रहा था, अंधा पैसा। तो भाई साहब अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं मैम, स्कूल में अलग हो गया मैडम, स्कूल में 7B और 7C की लड़कियां मर जा रही मुझसे बात करने के लिए। मेरा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था, मैं सनफ्लावर बना, 30 लड़कियां हनी बी बन गई। सब कह रही बी विद मी, बी विद मी, बी विद मी। राघव पगली कहेगी। मेरा दोस्त आ गया नोनू, क्या रजत ये तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करती हैं। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है बीरबल। पैसा मैं बंधा आ रहा था, अंधा पैसा, सोच रहा कितना पैसा आदमी के पास आता है यार, क्या करे इतने पैसे का, मतलब मोहल्ले को शक हो गया मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ। स्कूल में तो अलग ही फैल गया, कह रहा भाई अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, ये पैटी बर्गर पेप्सी इकट्ठी खा रहा है, तीनों चीजें वैरायटी भाई साहब, स्कम्पशियस मील भाई साहब, सोसाइटी अमीर आदमी को देख नहीं पाती, बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो मैम इतना पैसा आ रहा था भाई साहब, तो क्या मैम इतना पैसा, अब क्या होगा मैम, रातों की नींद नहीं आने लगी, मेरे सपने में इनकम टैक्स ऑफिसर आ रहे हैं, कह रहे बताओ ये हार्ड कैश कहां से आया। मैं सपने से जाके बैठा हूं कि भाई साहब फोर मैगजीन ऑफ मायापुरी, उसमें मैं आ गया हूं फ्रंट पेज पे, यंगेस्ट 1000 इंजीनियर्स, मैं आ चुका था उस पे। पर भाई पेरेंट्स को समझ में आ गया कि भाई पैसा जा रहा है, तो एक दिन वो हमारे पास आए, दोनों को बैठाया और बोला बेटा देखो अब तुम्हारा ना फ्लैट हो जाएगा, हर महीने 500 रुपए फ्लैट। तो मेरी बहन कह रही कौन कैलकुलेट करे, तो वह चली गई पेरोल पे और मैं रह गया फ्रीलांसर। अब आपको पता मैम इतना अंधा पैसा आ रहा है आदमी के पास, कहां ले जाएगा इतना पैसा मैम। तो भाई साहब थोड़ी देर बाद माँ बाप को लगा कि भाई साहब ये बच्चा बिगड़ ना जाए, होता ही नहीं होता मैम। तो मैम वो आए मेरे पास, कह रहे देखो बेटा एक चीज बताना भूल गया आपको, क्योंकि वो देखो औरत मैथ्स की टीचर है वो, तो कह रही जो काम तुम नहीं करोगे अब उसके -10 रुपीज होगी। अब देख रहे हो वो औरत खिल गई। तो मैं 3 महीने बाद 30,000 के कर्जे में था। आप समझ रहे हो जिंदगी कैसे चल रही है। पर भाई साहब उस दिन मॉरल साइंस की बात समझ में आ गई कि भाई साहब अगर रिश्तों में पैसे आ जाए ना तो कोई चीज नहीं निपटती भाई साहब, कोई चीज नहीं निपटती। पर देखो फिर हम आ गए अपने प्राकृतिक तरीके पे जिसमें हम पॉकेट मनी कमाते हैं, लड़के जिस तरह से कमाते हैं पॉकेट मनी, वो है पहला पॉकेट मनी का तरीका है हमारे माँ की यादाश्त कि उन्होंने कोई सामान लेने भेजा, ये तुम्हारा अमीर पति इस बात का हजरा है, दूध के टोकरे से 2-2 रुपए निकाले इसने, ये अंपायर बनाया इसने इस बातों का, तुम्हारे पापा को बात बता रहा हंसते कोई मना करते ये आदमी नहीं। आप समझ रहे हो, देखो हमारी पॉकेट मनी में हमारे माँ की यादाश्त पर डिपेंड करती थी कि उन्होंने कुछ सामान लेने भेजा, हमने वो सामान दिया और मुड़ गए, अगर उन्होंने बोला पलट तो दे दिए, वरना सारे पैसे अंटी कर लिए। पर यार वो पैसे संभाल के रखने पड़ते थे 3-4 दिन, क्योंकि वो है ब्लैक मनी और माँ बाप इनकम टैक्स अफसर के कहाँ है वो पैसे। और देखो मैंने पॉकेट मनी कमाने के लिए मैंने बहुत उलपटांग काम करे, मैं तो बचपन से एंटरप्रेन्योर रहा हूं। आपने वो पैम्पलेट पढ़ा है घर बैठे पैसे कमाए, पढ़े आपने, मैं 3 दिन घर बैठा रहा, कोई बंदा पैसे इधर नहीं आया। मैंने कहा बहुत ही फ्रॉड लोग है भाई साहब, अगले बिलीव नहीं करना। एंड द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी जो मेन सोर्स था हमारा वो थे रिलेटिव्स। देखो रिलेटिव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड एक होते हैं बैड। गुड होते हैं नाना नानी मामा मामी, और बैड होते हैं वो उनकी मैं बात ही नहीं करता। एक बार मेरे आया था SST में मैप लेबलिंग में कि फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बनाओ, मैंने UP बनाया था। मैं कहा मेरे मामा ही रहते हैं। और अभी नोटिस कि जितने दूर क्रिएटिव होते हैं वो उतने ज्यादा पैसे देके जाते हैं, तो लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, मैं कहा ना डिस्टेंस इज मनी। और तुम्हारे पेरेंट का हमेशा होगा कि वो तुम्हें पैसे देंगे पर तुम्हें
तो मैंने कहा आपने फिर ये फोर प्ले क्यों रखा हुआ है? रिलेटिव हमारी पूरी बॉडी रगड़ जाते हैं, ले लो ना पैसे, ले लो ना पैसे, ले लो ना पैसे। मैम मुझे बताओ कि मैं अपने पैसे क्यों ना लूं? मैं अपनी लेबर चार्ज ना लूं? एक तो बता रहा हूं इंडियन पेरेंट्स का भाई साहब हिसाब नहीं, बता रहा हूं जितने भी यहां लड़के बैठे हैं आप में से कितनों ने बचपन में लड़की वाले कपड़े पहने हैं? पहने? एक तो ना ये इंडियन पेरेंट्स की अलग फैंटेसी है कि अपने सोनू को सोनिया बनाना। मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं है पहनने में, एक तो इमेजिन मत करो अभी आप मुझे, इन्होंने इमेजिन कर लिया। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब तुम्हारे दूर के रिलेटिव तुम्हारे घर पे आए और वो देखे कि इनके घर में ये नन्ही परी कौन घूम रही है, कौन सी लड़की है जो लायरा करके निकल गई। तो मैम फिर क्या करते थे, मैम मुझे वो आके खिलाते थे ऐसे, बहुतों को नहीं समझ में आया तो बेसिकली चेक करते थे। ये बात अच्छी लग रही है आपको, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए हंस रही है, इसकी और करो, इसकी और बेइज्जती करो, बता रहा हूं बेइज्जती करो आप इसकी। स्टोरी में कहां पे था? उछाली घूम रहे हैं, देख रहे हो हवा में बातें चल रही है, हवा में दिल्ली है, बिल्कुल दिल्ली है, हवा में एकदम से देख लिया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ गिव मी लाउड चीयर, इंडियन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अपने टीनेजर बच्चे के साथ करना क्या है, जस्ट लाउड चीयर यस। भाई साहब मेरा मम्मी का मुझसे सिर्फ दो काम है, एक मैं दूध ले आऊं, मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं तो लौट तो ले आना, दूसरा किसी भी रिलेटिव को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शमशान घाट, इन सब से एक्टिवा में बिठा के घर लेके आना। वो मोदी जी कह रहे हैं विद द यूथ, भाई साहब एक्टिव बैठा हुआ। बता रहा हूं भाई ये चल रहा है हमारे साथ। अच्छा आपकी रिलेटिव कभी तारीफ नहीं करेगा आप स्कूटर से लेके आओगे उनको? कभी नहीं। बहन जी आपका बेटा एक स्पीड ब्रेकर तो छाली दिया ना ऊपर। मैं कहा अंकल जी बचपन में आपने भी बहुत बिछाया तो बदला तो बनता है। अच्छा एक तो ना रिलेटिव के साथ बड़ा हिसाब किताब होता है तो पैसे कमाने हैं, देखो रिलेटिव का होता है ना मैम, तो मैंने ना अपने घर में रिलेटिव की एक लेजर बुक बना रखी थी। देखो मेरा छोटा सा लघु उद्योग था, ऐसे में कहते हैं इसको काफी लोग। भाई साहब मैं तो सोचता कि थोड़े दिन में इतना पैसा आएगा मैं आईटीआर भर दूंगा, जिनको नहीं समझ में आया फॉर्म 16 नौकरी ले काफी ना, आपके पति की तरह अमीर नहीं है। क्या करते वैसे ब्रदर आप? कहा था स्मगलिंग करता है, बता रहा हूं आपको। तो मैं मैंने घर में रिलेटिव की लेजर बना रखी थी जिसमें रिलेटिव का नाम रियलिटी एक्सपेक्टेशन लिखा होता था, जिनके भी -10 रुपीज से ज्यादा डिफरेंस आ गया भाई साहब नेक्स्ट टाइम एमनिटीज नहीं, स्लैब थी भाई साहब रिलेटिव की, जैसे 0 से 500 तक जो रिलेटिव हम देते थे मुझे उनको घर पे आती नमस्ते दैट्स इट। जो 500 से ऊपर के रिलेटिव थे 5 ही थे भाई साहब, आती वेलकम ड्रिंक, वाईफाई पासवर्ड्स, उनके रूम में ना सर प्रॉपर तौली लगा के रखता था, ऐसे लगाया था मैं, आइए आराम से सोइए आप देख रहे हो। और रिलेटिव से होना पड़ता है मैम क्योंकि पैसे चाहिए ना मैम, और देखो हमारे और हमें लिटरली पैसे चाहिए क्योंकि हमने मेहनत करी है। देखो हमने कितनी मेहनत करी है, हमने उनके लिए प्लेट में बिस्किट लगाए हैं, ट्यूटे हमने खाए हैं। एक तो ना हमारे खाने की स्पीड डिपेंड करती है, जब हमारे माँ बाप लिविंग रूम से रिलेटिव को गेट तक छोड़ के वापस आने तक के टेन्योर में जो आप कटोरियों में ब्रह्मांड ठूस सकते हो, आप देखो चक्कर में क्या क्या खा गए, इकट्ठा नमकीन बिस्किट बर्फी रसगुल्ला इकट्ठा, संजीव को पूछ कर भाई साहब ये क्या खा रहे हैं, खबर अब कितना मस्त है। पता एक बार मम्मी ने बोला रजत, एक बार ना मेरी मम्मी गेट पे थी वापस नहीं आई, मैंने कहा भाई आज मुंह साफ करने का वक्त है, मैंने 4 बिस्किट इकट्ठे ऐसे मुंह में डाल लिए। भाई साहब जैसे पता लग गया कि वो मम्मी की साजिश थी क्योंकि बिस्किट सीले हुए थे, यू नो मैम सीले बिस्किट,
द बिस्किट विद नो सेल्फ रिस्पेक्ट. पेरेंट्स का बड़ा भाई साहब बड़ा होता है मैम, बड़ा अलग होता है. मैं एक चीज तो मैं कन्फेस करता हूँ आपको, देखो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है ना बोतल, उसको मुंह से लगा के जो पीने का मजा है ना, स्पेशली रिलेटिव को देने से पहले, वो दुनिया में किसी चीज में नहीं आता. मतलब अरे अलग जिंदगी, ये होते हैं जिंदगी लाइफ यार. कहाँ बसे मैं तो मैं देखो एक बार क्या हुआ, और ना रिलेटिव का हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे वो मेरी मम्मी को बोले कि बहन जी चले, जैसे ये कोड वर्ड मेरे कानों में आए कि अब दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है, इस मोमेंट पे हमेशा मैं गेट पे खड़ा होता हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं पैसे लूज नहीं कर सकता भाई, बोनी का टाइम है ना. तो ऐसे गेट पे मैं वैसे शर्ट पहन के विद अ पॉकेट, मैं कहा मम्मी ने हाथ में मना किया है, जेब में डालो, ध्यान किधर, पॉकेट इधर है. उसमें से ना एक होता है घटिया रिलेटिव, घटिया होता ही है ये ना, आखिरी बॉल में गुगली खेलता है हमेशा. एक काम करना तुम भाई बहन आपस में बांट लेना. मेरी बहन ने क्या किया था इसके अंदर, उससे तो घटिया रिलेटिव और था मैम, मुझे जाते थे ना एक बार फटा नोट दे गया. रिलेटिव कर जाते मैम ये काम, फटा नोट दे गया मुझे वो भाई साहब, उसको मैं सब्जी लग रहा हूं भाई साहब. नेक्स्ट टाइम मैंने लेजर बुक में नाम लिख लिया, मगर ये अगली बार आ जाए, ये अगली बार आए मैंने उसको फटे दूध की चाय पिलाई है. करा आपकी चाय फटी लग रही है, मैंने कहा आपका नोट भी फटा हुआ था. इतनी झुंडा करेंगे मैम हमारे साथ हो यार. अच्छा एक टाइम आता है जब ना तुम्हें रिलेटिव पैसे देना बंद कर देते हैं, हैव यू नोटिस दैट? ये कब होता है, ये कब बुढ़े इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं कि अब युवा पीढ़ी को देने नहीं पैसे. मैंने रिलेटिव का पूरा काम किया, मतलब पूरा बैग उठा के लेके गया, सामान वामान सब रखा, जाते थे से करा जीते रहो, जुग जुग जियो. मैंने देखा हाथ में कुछ नहीं था, मुझे लगा मंत्र दिया इसने कि इससे पैसे निकलेंगे मैडम. पर कौन बताया कि जुग जुग जीने के लिए पैसे लगते हैं, जो आप देखे नहीं जा रहे. मैं क्या करूं जुग जुग जियो का बताओ, मैं दुकान में भरने का भैया एक 5 स्टार और ये लीजिए जुग जुग जियो. पेरेंट्स एंड द अदर वे ऑफ अर्निंग मनी वॉज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी वॉज दादी. भाई साहब दादी इतनी प्यारी चीज होती है ना, कि दादी को जैसे आपने पीछे से किया दादी, दादी को पता है गए 50 रुपए. उसको पता है कि उनके ऐसे पोते हाय हेलो करने नहीं आते. तो मेरी दादी का बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि 3 दिन तुम मुझे मंदिर ले जाओ, 3 दिन मेरे पैर दबाओ, तब वो यहां से निकालती थी वैल्यू डेवलपर्स ज्वेलरी वाला, जिसमें लिखा होता था खन्ना एंड सन्स, पर उसका के मिट चुका है तो वो अन्ना एंड सन्स बन चुका है. और ना उनके नोट कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होते, 10 का नोट 20 को हक कर रहा होता है ऐसे, 50 कैसे कडल कर रहा होता है घूम घूम के, 100 करोड़ तो कैप्चा कोड का निकलता है, कैप्चा कोड ऐसे. कभी ऐसा हुआ कि आपके मामले पैसे धो दिए कपड़ों के अंदर? भाई साहब मेरी भी प्रो है, प्रो इतने नोट धो चुकी है, इतने नोट धो चुके हैं मैम कि मैं जब नोट सुखाता हूं ना तो उसमें गांधी जी के पीछे बाल गिले रह जाते हैं. ये बात तो गांधी जी कह रहे सर्फ एक्सेल निकाल मेरे मुंह से भाई, क्या करके मारेगा तू.